हेलो दोस्तों, वैशाली मटन चिकन शॉप पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं झटका और हलाल मीट के बारे में, और उसको हम आपको तीन प्रकार से अच्छे से भेद कर बताएंगे, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बेल बटन जरूर से ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो के अपडेट हर समय मिलते रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए आपको बताते हैं झटका और हलाल का मीट की पहचान जानवर से नहीं, उसके काटने के तरीके से होती है कि कौन सा मीट झटके का है और कौन सा मीट हलाल का है। तो चलिए, हम आपको पहले बताते हैं झटका के बारे में। तो जो झटका जो मीट होता है, उसके काटने का तरीका होता है एक तेज धार तलवार या चाकू की मदद से। हम उसके गर्दन पर, जो ये गर्दन देख रहे हैं ना, इस पर काटते हैं और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसका जो दिल होता है वो ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर देता है, जिससे वो ठप हो जाता है और ब्लड बाहर की तरफ नहीं जाता। ये बात नोटिस कीजिएगा कि झटका में ब्लड बाहर की तरफ नहीं जाता, जो आपको गर्दन पर कटेगा वहीं पर ब्लड होगा, बाकी बाहर नहीं जाता है। अब दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं हलाल की। हलाल जो मीट की कटिंग होती है, उसमें हम बकरे का सांस लेने वाली नली, जो एयर पाइप होता है, उसको काटते हैं। एयर पाइप जो आप देख रहे हैं ना, ये गर्दन के पास से जो और सांस लेने की नली है, उसको हम एक चाकू की मदद से काट देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और ब्लड रिस कर उसके शरीर से बाहर चला जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया, लोग इसे मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन ये गलत है। एक साइंटिफिक रूप से आपको देखा जाए तो झटका या हलाल मीट के टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन हाँ, झटका का जो मीट होता है, आप लेट से अगर खाते हैं तो उसमें थोड़े से कीटाणु वगैरह जम जाते हैं, क्योंकि ब्लड कटने के बाद जमने लगता है और उसमें कीटाणु आने के आशंका रहते हैं। लेकिन हलाल में खून बाहर की तरफ निकल जाता है, तो मीट आपको वाइट कलर का दिखेगा और सफ़ेद अच्छा दिखेगा। झटका का मीट आपको अधिकतर टाइम आप देखेंगे कि लाल दिखेगा, थोड़ा सा ब्लड ही दिखता है खून की तरफ ये, लेकिन खाने में कोई अंतर नहीं। अगर आप जस्ट कट्टा या तुरंत खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप ये तो कर सकते हैं। इसी तरह कारण आप मार्केट में भी देखते होंगे कि जितने भी बड़े होटल रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वो लोग झटका की जगह पर आपको हलाल मीट का सेवन करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिन रखते हैं। इसी कारण देख रहे हैं कि बहुत सारे बाहरी कंपनी भी इसको सुझाव करते हैं। तो झटका मीट और लाल मीट आप जिसको खाना चाहते हैं खा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बीमारी होने का डर भी रहता है हलाल से, तो इससे आप सेफ्टी बनाए रखें। थैंक यू।